उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कानपुर में दो बड़े कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं पर एक्शन के बाद अब आयकर विभाग की टीम ने बड़े इत्र कारोबारी पीयूष जैन और पान मसाला कारोबारी के अग्रवाल के घर और ठिकानों पर छापेमारी कर बड़ी रकम बरामद की है। केवल इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी में करीब 160 करोड़ रुपए मिले और अभी छापेमारी का सिलसिला बीते 24 घंटे से जारी है। बताया जा रहा है कि कानपुर के जूही थाना क्षेत्र के आनंदपुरी में रहने वाले इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से अब तक की छापेमारी में आईटी की टीम ने 160 करोड़ से अधिक रुपए बरामद किए। हालांकि अभी भी गिनती जारी है और अभी फाइनल आंकड़ा नहीं आया है। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि के अग्रवाल के ठिकानों से कितने पैसों की बरामदगी हुई। छापेमारी के दौरान इनकम टैक्स की टीम अपने साथ नोट गिनने वाली मशीन साथ लेकर पहुंची। पैसों को गिनते हुए वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुकी है। बताया जा रहा है कि नोटों की गिनती के लिए SBI के अधिकारियों की मदद ली जा रही है, जिसके बाद बरामद हुए रुपयों की सही जानकारी मिल पाएगी। आपको बता दें कि इत्र कारोबारी पीयूष जैन और पान मसाला कारोबारी के अग्रवाल के घर और भी छापेमारी की कार्रवाई जारी है। आईटी टीम के साथ अहमदाबाद के साथ आई DGGI की टीम भी इस अभियान में शामिल है। दरअसल आरोप है कि कई फर्जी फॉर्मों के बिल से बिल बनाकर कंपनी ने करोड़ों रुपए की GST चोरी की। पीयूष के घर से 200 से अधिक फर्जी इनवॉइस और ईवे बिल मिले हैं। पीयूष जैन के घर में बड़ी तादाद में बक्से मंगवाए गए हैं। छापेमारी के दौरान GST चोरी का भारी खेल सामने आया। वहीं इनकम टैक्स और GST विभाग ने 12 से ज्यादा संदूक मंगाए हैं ताकि करोड़ों रुपए रखे जा सके। इन रुपयों को गिनने के लिए अभी तक 6 मशीनें लाई गई हैं और मौके पर बैंकों की PSC और पुलिस बल भी मौजूद है। इस तरह के और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।